नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने कई आईएएस अधिकारी दिए हैं अतिरिक्त जिम्मेदारियों के साथ। 5 आईएएस और 1 डेनिक्स अधिकारी का विभाग बदला गया है। तो एलजी विनय कुमार सक्सेना देखिए, वो जब से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है तब से ही सुपर एक्टिव मोड में ही तो वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये 5 जो अधिकारी बदले गए हैं, इनकी और डिटेल्स हम जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये कि क्या ये रूटीन तबादले हैं या परफॉर्मेंस जो है वो आधार बना है। ये एक मूल सवाल होता है जब इस तरह के तबादले होते हैं। किसे ज़्यादा जिम्मेदारी दी गई, यानी कि प्रमोशन किसका हुआ, किसके जिम्मेदारियों को जो है घटाया गया, तो ये भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जो शुरुआती जानकारी आई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तरुण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। तरुण, इन अधिकारियों के बारे में बताइएगा, किसे प्रमोशन मिला, किसकी जिम्मेदारियों को घटाया गया, और सबसे बड़ी बात, क्या ये रूटीन तबादले हैं या फिर परफॉर्मेंस इनका आधार रहा? देखिए, ये रूटीन तबादले ही हैं, लेकिन चूंकि एलजी ऑफिस और चुनी हुई सरकार के बीच में रस्ता कशी चल रही है, लिहाजा एक एक माइन्यूट डिटेल बहुत ज्यादा मायने रखती है। 5 आईएएस अधिकारी हैं और कई दानिक्स ऑफिसर हैं। दानिक्स ऑफिसर बाद में प्रमोट होकर सिविल सर्वेंट बन जाते हैं, आईएएस अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन दानिक्स अधिकारी आईएएस की जो पोस्टिंग होती है उनके निचले पायदान के ऊपर कार्यरत होते हैं। लेकिन 5 प्रमुख जो आईएएस हैं उनके विभागों के अंदर फेरबदल किया गया है। जैसे कि ए अलाइज बैच, ये कि अकमट कार्डर के 205 बैच के अधिकारी हैं। ये कमिश्नर कम सेक्रेटरी थे हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन के, उनको सेक्रेटरी विद एडिशनल चार्ज हायर एजुकेशन और साथ साथ एमडी बनाया गया है डीएसएफ एफटी का। इसके अलावा एसबी दीपक कुमार हैं, आईएएस हैं, ये अकमट कार्डर के 205 बैच के ही हैं। ये ट्रेड एंड टैक्सेस के अंदर कमिश्नर थे, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली का। ये महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि आपको याद होगा जासमिन शाह वाइस चेयरमैन है और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान फैसला किया है उपराज्यपाल ने, क्योंकि 1400 करोड़ रुपए का जो कथित भ्रष्टाचार खादी ग्राम उद्योग में हुआ है, तो इन्होंने भी एलिगेशन लगाए थे विनय सक्सेना पे, लिहाजा उनके डिपार्टमेंट के अंदर ये तैनाती दीपक की हुई है। इसके अलावा सी आर गर्ग हैं, ये पुराने अधिकारी हैं और इनको सेक्रेटरी आर्ट एंड कल्चर लैंग्वेज से हटाकर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी में भेज दिया गया है। ये भी एक महत्वपूर्ण तबादला है क्योंकि दिल्ली सरकार का एडवर्टीजमेंट जो पॉलिसी है वो कई बार विपक्ष के निशाने पर रहता ही है। इसके अलावा एस एन शर्मा है, आईएएस अधिकारी हैं 2010 बैच के, ये लेबर कमिश्नर हैं, अभी भी ये लेबर कमिश्नर तो रहेंगे ही, लेकिन इनको एडिशनल चार्ज कम स्पेशल सेक्रेटरी बनाया गया है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी के अंदर। और ये सीईओ बनाए गए हैं शब्दार्थ के, ये भी एक महत्वपूर्ण विभाग है। इसके अलावा ए के सिंह है, ये डेवलपमेंट कमिश्नर है, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन का। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये है कि बेशक से रूटीन तबादला है, लेकिन जो तलखियां चल रही हैं वो कुछ संशय पैदा कर देती है।